हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। अ सीलिंग फैन हैविंग थ्री ब्लेड्स ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, ईच इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1200 आरपीएम। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दैट रीजन 0.5 गॉस, गॉस पर ध्यान देना है, एंड एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री। द इंड्यूस्ड ई एम एफ अक्रॉस द ब्लेड्स इज इतना वोल्ट, द वैल्यू ऑफ एन एच। अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो डायग्राम बना लेते हैं कि ये मान लो थ्री ब्लेड हैं इसके, सीलिंग फैन के, एक टू और ये थ्री, ठीक है। तीनों की लेंथ एल है, दैट मीन्स एल 80 सेंटीमीटर रखी है। 80 सेंटीमीटर चेंज कर लें, 18 × 10^-2 मीटर, ठीक है। यहां से सेंटर से ऐसे घुमा दिया, मान लो ऐसे ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा, ये एंगुलर स्पीड नहीं है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है एन, 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा है, 1200 रिवॉल्यूशन, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 0 से 0 काट दो, 6 से कट गया 20 बार, दैट मीन्स 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसीलिए एंगुलर स्पीड ओमेगा बराबर 2 पाई एन, 2 पाई और एन की वैल्यू 20, दैट मीन्स 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये रेडियन पर सेकंड है, ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, ये फ्रीक्वेंसी यूनिट, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स एंगुलर स्पीड की यूनिट, ठीक है। इतनी हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज दैट रीजन 0.5 गॉस, एंड एंगल ऑफ डिप इतने। तो जानते हो ये रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट के चलती है, कट करके चलती है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। जैसे एक फॉर्मूला बता देता हूं, जो फॉर्मूला हम इसमें यूज कर रहे हैं वो जरा समझ लो पहले, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। अगर ये रॉड है और इसकी लेंथ एल है, और इस एंड से मान लो इसे घुमा रहे हैं, फिक्स कर दिया ओमेगा, तो ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया पी। अब सेंटर वाले पॉइंट और पी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना है दोनों एंड के अक्रॉस। ये हिंज पॉइंट है जहां से घुमाया है, ठीक है, ओमेगा से घुमाया, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लो, ठीक है। तो देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड की लेंथ ही कैसे है, परपेंडिकुलर है, लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, काटते हुए चलता है बेटा, है ना। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो गया, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, ई बराबर रॉड के एंड क्रॉस, ई मतलब सी और पी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। पहले ये चेक कर लो कि कौन सा एंड का पोटेंशियल हायर है। तो अब हायर कैसे निकालते हैं, तो जनरल फॉर्मूला एक्चुअल में जो होता है, वी क्रॉस बी की दर्शन निकाल लो, किसकी दर्शन निकाल लो, वी क्रॉस बी की। जो वी क्रॉस बी की दर्शन होगी, उधर की तरफ जो पॉइंट होगा वो हायर पोटेंशियल पर होगा। तो पहले वी क्रॉस बी की दर्शन निकालें। तो ये देखो रॉड को ऐसे घुमाया, तो रॉड की जो वेलोसिटी होगी वो इस तरह से होगी, कुछ हर एक पॉइंट की अलग अलग होगी, है ना ऐसे, लेकिन होगी इधर ही। ये वेलोसिटी की दर्शन निकाल दी, वी क्रॉस बी निकालो, राइट हैंड यूज करिए, राइट हैंड की फिंगर वेलोसिटी वेक्टर की दर्शन में रखिए, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है बेटा, तो नीचे की तरफ अपने फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को छोटे एंगल से घुमा दीजिए, वी क्रॉस बी, ऐसे ऐसे वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना होता है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट हैंड की फिंगर में, राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर दर्शन में रख के छोटे एंगल से अपनी फिंगर को घुमाइए वी क्रॉस बी की तरफ, तो ऐसे थम इधर आ रहा है, तो वी क्रॉस बी की दर्शन इधर आ रही है बेटा, और जिधर वी क्रॉस बी की दर्शन आती है उधर ही मैग्नेटिक फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर, और नेगेटिव लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया और ये एंड नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स जो इंड्यूस ईएमएफ, दैट मीन्स इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, सी का ज्यादा है और पी का कम है। इसकी वैल्यू होती है 1/2 बी ओमेगा एल का स्क्वायर। ये फॉर्मूले में ये ध्यान रखिए, ये तो आएगा ही आएगा हमेशा, इसको ऐसे याद रखिए बेटा, ऐसे याद रख लेते हैं इस फॉर्मूले को हम, कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ऐसे लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स
देखो सी का ज्यादा है, वीसी ज्यादा है और वीपी, इसलिए लॉजिकली साइन लगाएंगे यहां पे प्लस। ठीक है, पॉइंट्स एंड सेंटर पॉइंट्स, सेंटर पॉइंट इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा तो आएगा ही आएगा। इस एल का जो नाम है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये लिख देंगे फॉर्मूला 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। और एल का नाम क्या है यहां पे, एल का नाम है वेयर एल वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखिए, पहले लॉजिकली साइन निकालिए कि कौन सा हायर है कौन सा लोअर है। अगर वीपी माइनस वीसी निकालते तो माइनस लगा देता अपनी तरफ से, और एल लिखेंगे सेंटर वाले पॉइंट से जिस पॉइंट पे मैं डिफिन निकाल लेते, इन दोनों पॉइंटों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले तो इनके बीच दूरी लिख देंगे एल। ठीक है, चलिए आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, यहां आते हैं। अब देखो यहां पर आपका ये सी पॉइंट मान लेता हूं और ये ए मान लेता हूं, ऐसे इसे बी मान लेता हूं, इसे डी मान लेता हूं। तो मैं पहले इसकी बात करें, लेकिन इसमें एक चीज और है बेटा, भी पहले अर्थ के मैग्नेटिक की बात करें तो यहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहां जो वर्टिकल कंप्यूटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ये वर्टिकल कंप्यूटर पर मैग्नेटिक फील्ड है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो उसकी दशा हॉरिजॉन्टल ही होती है, साउथ टू नॉर्थ हॉरिजॉन्टल होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। तो देखो अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो उसको तो ये लाइंस काटेंगे नहीं ना, रॉड की पंखड़ी जो ये रॉड जो है आपकी ब्लेड है ये हॉरिजॉन्टल कंप्यूटर पर मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करेंगे, केवल वर्टिकल कंप्यूटर पर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें वर्टिकल कंप्यूटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले वर्टिकल कंप्यूटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं, देखो एक मैग्नेटिक मर्डियन होता है बेटा, एक वर्टिकल प्लेन होता है, ये एक मैग्नेटिक मर्डियन मतलब एक वर्टिकल प्लेन सरफेस, इसको वर्टिकल प्लेन सरफेस बोलते हैं। इसमें एक डिप नीडल लटकी होती है ऐसे, इसे डिप नीडल बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये, तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होता है, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाते हैं इसे एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, यहां पे एंगल ऑफ डिप दे रखा है 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का इसका, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड होता है बेटा, है ना। इसकी दर्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है, साउथ टू नॉर्थ ऐसे। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो ऐसे दिखाओगे तो बी एस तो ऐसे दिखेगा बेटा आपको ऐसे, और वर्टिकल कंप्यूटर पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगा बी बी डाउनवर्ड दर्शन में। ठीक है, क्योंकि ये साउथ हो गया ये नॉर्थ हो गया, और साउथ नॉर्थ हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, तो ये ऐसे दिखाई देगा और बी बी नीचे की तरफ दिखेगा। तो रॉड इस हॉरिजॉन्टल कंप्यूटर पर मैग्नेटिक फील्ड को तो काटेगी नहीं, तो वो पैरेलल हो गए उसके, वर्टिकल कंप्यूटर मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए चलेगी। तो वर्टिकल कंप्यूटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसकी वैल्यू देखें तो इसका कंपोनेंट करें बी के रिजल्टेंट के, तो बी साइन 45 आएगा और ये हॉरिजॉन्टल कंप्यूटर आएगा वो बी कॉस सॉरी 30 आएगा, ये कॉस 30 आएगा डिप एंगल। तो वर्टिकल कंप्यूटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी साइन 30, और बी दे रखिए यहाँ पे वो भी गॉस में रखी, उसे भी चेंज करना पड़ेगा, बी इक्वल टू 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला, एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं, तो 0.5 × 10⁻⁴ और इसकी वैल्यू वही 1/2 टेस्ला, ये वर्टिकल कंप्यूटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर, हम यहां पे आ जाते हैं। तो अब बताओ ये रॉड के देखें तो यहां से घुमा रहे, ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया और ये एक एंड हो गया, तो इसके अक्रॉस अगर हम रॉड वन की बात करें, रॉड वन के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू, पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा हायर कौन सा लोअर। तो देखो ये ऐसे घुमा रहे हैं तो ये वेलोसिटी की दिशा ऐसे हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो वी क्रॉस वी करो, वी क्रॉस वी थंब इधर आ रहा है, तो सी हायर है और ए लोअर है, इसलिए वी सी माइनस वी ए 1/2 बी ओमेगा, और सी और ए पॉइंट के बीच की दूरी लिखते हैं यहां पे हमेशा, तो सी और ए के बीच की सेपरेशन कितनी है एल, तो एल स्क्वायर, वी सी माइनस वी ए इतना आया।
अगर आप यहां पे वी सी माइनस बी वी निकालोगे ना, ये भी इतना ही आएगा, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, क्योंकि इसमें ये रॉड ऐसे घूम रही है तो वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, मैग्नेटिक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सी हायर आएगा, सी हायर आएगा और बी लोअर आएगा, तो इतना ही आएगा। ऐसे ही वी सी माइनस वी डी में भी ये वेलोसिटी ऐसे होगी मैग्नेटिक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सी हायर आएगा और डी लोअर आएगा, तो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो, सी तीनों में कॉमन पॉइंट है और इधर भी सेम है, तो आपको नहीं लगता कि वी ए बी बी और वी डी का अगर तुम वैल्यू निकालोगे, देखो वी ए को धर ले आओ, इसको धर ले आओ, वी बी को धर ले आओ, इसको धर ले आओ, वी डी को धर ले आओ, इसको धर ले आओ, तो आपको नहीं लगता कि वी ए और बी बी और बी सी के पोटेंशियल सेम होंगे? पोटेंशियल सेम होंगे, होंगे होंगे, तो ए बी और डी आर सेम पोटेंशियल है ना, और सी का उससे ज्यादा है। तो क्या हुआ एक्चुअल में, आप इसको अगर तुम बनाना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि ये इस तरह से काम करेगा बेटा, ये एक ब्लेड बना लिया ऐसे, ये ऐसे ब्लेड बना लिया, ये इस तरह से ब्लेड बना लिया, सी पॉइंट हायर पर, तो यहाँ पे ई एम एक सेल बना दें ऐसे, इसका ई एम एफ जो है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ऐसे इसमें सी हायर है और वी लोअर है, ये सी हायर है और वी लोअर है, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, ए बी और डी का पोटेंशियल सेम है, तो आप चाहो तो ऐसे ना सकते हो, ए पॉइंट बी पॉइंट और डी पॉइंट ट्रीट एज अ सिंगल पॉइंट, और सी पॉइंट ऐसे ना लो, तो ऐसे ना सकते हो, ए से लोअर पोटेंशियल डा हुआ है और इसे हायर, ऐसे यहां पर ये लोअर ये हायर और ये लोअर और ये हायर, देखो ये तीनों सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद करो, अगर ये तीनों सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो नेट ईएमएफ कितना है, तो नेट ईएमएफ ई होता है बेटा, नेट ईएमएफ ई होता है, अगर सबके सेम ईएमएफ होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट होते हैं तो टोटल ईएमएफ ई ही आता है, इसीलिए 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बस अब वैल्यू रखनी है यहाँ पे, तो ई की वैल्यू कितनी, तो 1/2 बी की वैल्यू कितनी बेटा, बी यहाँ पे कौन सा आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा, यहाँ पे बी कौन सा आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे ऐसे, हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा ना, बट वो टोटल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो काटते हो किसको चलेगा, रॉड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए चलेगा परपेंडिकुलरली, ठीक है, तो यहां लिख दो, बी भी कितना आया है, 0.5 10 की पावर माइनस के 4 इंटू 1/2, ये मैंने बीवी की वैल्यू पुट कर दी, ये रही, और ओमेगा कितना था, 40 पाई था, 45, ये 45 है, और एल कितना है, 80 सेंटीमीटर था, दो वाला लिख लूं, 80 इंटू 80 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, माइनस के 2 था और इसके करके माइनस के 4, अब सॉल्व कर लूं, तो देखो ये 2 और ये वाला 2 4 हो गया, 4 से ये कट गया 10 बार, इस पॉइंट को नीचे उठाऊंगा 10, तो 10 से ये 10 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लूं, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, तो ये हो गया 5 इंटू पाई इंटू 80 इंटू 80, तो ये हो गया 6400 ऐसे, है ना, 6400, और 10 की पावर कितनी, माइनस फोर और माइनस फोर माइनस के 8, देखो मैंने ये लिख लिया, ये रहा, ये 8 हो गया और ये 5 हो गया और ये सब कट गए थे, ठीक है, और पाई लिख लिया, इसका से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये 2 जीरो से ये कर देता हूँ माइनस के 6, इसका मल्टीप्लाई करें, 0 और 30 और 2 32 और 10 की पावर पाई और 10 की पावर माइनस के 6, इस 0 से हटा देता हूँ तो 32 पाई 10 की पावर माइनस के पाई, और ये दे रखा है मैं कितना, एन पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 5 वोल्ट, तो पाई से पाई कट गया, तो 10 माइनस के 5 से 10 माइनस के 5, तो एन इज इक्वल टू आ गया 32। अगर मैं ये लिखता नहीं ना सब, ये सारी रामायण ये लिखने की वजह से बड़ा हुआ है ना, अगर मैं डायरेक्ट करता ये सब मेरे को पहले से मालूम होता तो मैं डायरेक्ट कर लेता बेटा, इसमें यही कर देता, ये 3 लाइन लिखता बस केवल, और ये भी नहीं लिखता मैं, है ना, बस आपको एक बार पूरा नॉलेज दी है इसीलिए टाइम लगा, तो एन की वैल्यू 32, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।